जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्र संत जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज राम कथा का आयोजन कर जो किया है उसके लिए आ रहे हैं, और मैं आप सभी को उस कथा श्रवण के लिए तो आमंत्रित करती ही हूँ, पर आप 9 के 9 दिन उस प्रोग्राम में भी हाजिर रहे या आपको निमंत्रण देती हूँ। 4 तारीख को भव्य कलश यात्रा है, 4 से 5 हजार बहनें उसमें भाग लेगी और भव्य शोभा यात्रा भी उसके साथ है। शाम को 4 बजे से वो शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से शुरू होगी, यहाँ समापन होगा। 5 तारीख से 13 तारीख तक शाम को 4 से 7 बजे तक राम कथा का पठन होगा। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी उस कथा का पठन करेंगे और मैं आप सभी के माध्यम से पूर्ण शहर को और बाहर से भी जिनको आना है आमंत्रित करना चाहती हूँ कि ऐसे सौभाग्यशाली पल का आनंद जरूर ले। 14 तारीख को सुबह 11 बजे से यज्ञ के बाद भंडारा यानी कि महाप्रसाद होगा, और वो प्रसाद महाप्रसाद जब तक चलेगा जब तक सबको वो महाप्रसाद का लाभ ना मिले। 12 तारीख को, इसी बीच 12 तारीख को हम उत्तर भारतीय भवन का उद्घाटन भूमि पूजन करने जा रहे हैं, और बहुत सारे मान्यवर यूपी से भी आ रहे हैं, और मैं आप सबको उसका एग्जैक्ट जगह और उसकी डिटेल बहुत जल्दी भेजने वाली हूँ। इसी बीच 7, 8 और 9 गोल्डन नेस्ट के हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 7 को गणेश जी की, 8 को लक्ष्मी माता जी की और 9 को शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होने जा रही है। वो मंदिर आपने अभी अभी देखा होगा कि उसका पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार किया है, तो आप सभी उसमें भी आमंत्रित है, जरूर से आइए। तो ये छोटा सा प्रोग्राम हमने 4 से 13 तक का आपको सभी प्रोग्राम इंक्लूसिव बता दिया है, और पूर्ण शहर मैंने फिर कहा कि बाहर से भी जिनकी भी इच्छा हो इस सौभाग्य पल का आनंद लेने के लिए जरूर आए। मैडम, यहाँ पर जो व्यवस्था है उसके बारे में बताइए, कितने लोगों की यहाँ पर व्यवस्था है, किस प्रकार से सुरक्षा का अपने ध्यान रखना है? फिलहाल 20 से 25 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये प्रावधान रखा गया है कि अगर लोग और बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और एक्सटेंशन करके कम से कम 50 हजार लोग एक साथ आ सकते हैं, उतनी हमने व्यवस्था रखी है। सीपी यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस से हमारी मीटिंग हुई है, ट्रैफिक से मीटिंग हुई है, और उन्होंने एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ बुला के हमें वो मुहैया कराने वाले हैं। हमने अपनी तरफ से भी कुछ बाउंसर्स रखे हैं, तो आप सभी को आश्वासित करना चाहती हूँ कि सुरक्षा में हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपने झांकी 4 तारीख को अलग अलग प्रकार की झांके हैं, इसके बारे में? जी, 4 तारीख को शोभा यात्रा जैसे ही मैंने आपको इनवाइट किया, अलग अलग झांकियां हैं, और कथा के दौरान भी हमारी झांकियां होती रहेगी।